राजमाता विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 में वर्तमान मध्य प्रदेश के सिंगरौनगढ़ में हुआ था। वो नेपाल के ठाकुर महेंद्र सिंह, जो एक सरकारी अधिकारी थे, उनकी दूसरी पत्नी चूड़ा देवेश्वरी देवी की सबसे बड़ी संतान थी। जन्म के समय उनका नाम लेखा दिव्येश्वरी देवी था। उनके पिता प्रांतीय प्रशासन में डिप्टी कलेक्टर थे। फरवरी 1941 में 12 साल की उम्र में लेखा की शादी भारत की सबसे बड़ी, सबसे अमीर और सर्वोच्च रैंकिंग वाली रियासतों में से एक ग्वालियर के महाराज जीवाजी राव सिंधिया से हुई। उन्हें भारत में ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व की थी। ब्रिटिश राज के दिनों में ग्वालियर के अंतिम शासक महाराज जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी के रूप में उन्हें देश के सर्वोच्च शाही व्यक्तियों में से एक माना जाता था। बाद के जीवन में वो काफी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बन गईं और भारतीय संसद के दोनों सदनों के लिए बार बार चुनी गईं। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। विजय राजे की चुनावी राजनीति में शुरुआत 1957 में हुई, जब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 5 साल के बाद वो ग्वालियर से कांग्रेस के टिकट पर जीती। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर 1967 में गुना सीट से जीत हासिल की। वो जल्द ही भारतीय जनसंघ में शामिल हो गईं और राज्य की राजनीति में भाग लेने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दे दी। 1989 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में गुना से जीत हासिल की और 1991 में सीट बरकरार रखा। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल में डाल दिया था। विजया राजे 1980 में भाजपा नेतृत्व में सबसे आगे आईं, जब उन्हें उपाध्यक्षों में से एक बनाया गया। उन्होंने पार्टी के राम जन्मभूमि आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें कट्टरपंथी माना जाता था। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि अब वो बिना किसी अफसोस के मर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सपना सच होते देखा है। वो 1998 तक भाजपा उपाध्यक्ष रहीं, जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया और चुनावी राजनीति छोड़ दी। राजमाता त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने राजसी ठाट बाट को मोह त्याग कर जन सेवा को अपनाया था तथा सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने जन सेवा से कभी अपना मुख नहीं मोड़ा। इसलिए राजमाता को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर हमें उनके पदचिन्हों एवं आदर्शों पर चलना चाहिए। विजया राजे सिंधिया का रिश्ता एक राज परिवार से होते हुए भी वे अपनी ईमानदारी, सादगी और प्रतिबद्धता के कारण पार्टी में सर्वप्रिय बन गईं और शीघ्र ही वे पार्टी में शक्ति स्तंभ के रूप में सामने आईं। विजय राजे सती प्रथा जैसे दमनकारी प्रथाओं का समर्थन करने के लिए विवादों में घिर गई थीं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि महिलाओं को रंगीन कपड़े पहनने और अच्छा खाने से परहेज करके विधवापन का शोक मनाना चाहिए। विजया राजे की मृत्यु 25 जनवरी 2001 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण हुई। विजया राजे और उनके एकमात्र पुत्र माधव राव सिंधिया के बीच संबंध बेहद खराब थे। वे अपने बेटे से इतनी नाराज रहती थीं कि 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में उन्होंने माधव राव सिंधिया को अपनी अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि उनके निधन के बाद उनके बेटे ने ही उनकी चिता को मुखाग्नि दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजमाता सिंधिया जी की जयंती पर उनकी पावन स्मृति में 100 रुपए के स्मारक सिक्के का अनावरण कर राजमाता को उनके महान व्यक्तित्व के लिए नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।